सोचा भी नहीं था कि हम इतनी महंगी चीज खरीद के लेके आएंगे, पर इनको पसंद आ गई तो मुझे लगा कि मुझे इनको दिला देनी चाहिए। वीडियो क्या दिखाएंगे आप अपने लिए क्या गिफ्ट? तो हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और अंकुश स्वाति के यहाँ बर्थडे में जाने की तैयारी होने वाली है और हम लोग सडनली तैयार हो रहे हैं। मतलब हम लोगों का बहुत ज्यादा प्लान नहीं था, सच्ची वाली बात बताएं तो ये हो रहा था कि आज चलेंगे कल चलेंगे, मगर फाइनली अभी हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मगर आज नहीं निकलेंगे, पहले अभी हम लोग जा रहे हैं तुरंत शॉपिंग करने के लिए। तो पहले शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि वहाँ जा रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना आदमी के पास, और मेरे पास अभी कोई तैयारी नहीं है वहाँ की। तो यहाँ पे फटाफट मार्केट पहुँचे और मार्केट में क्या पहनना है, ड्रेस क्या पहननी है और बच्ची को क्या गिफ्ट कर देना है, तो कुछ अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो मार्केट चलते हैं और क्या क्या होता है, तो चलो बने रहना ब्लॉग में, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाली है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं मार्केट, और मार्केट में यहाँ पे आप देख सकते हैं पंकज चश्मे की दुकान है। और यहाँ पे पति भी अंदर गए हैं क्योंकि इनकी आंखें थोड़ी सी वीक हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि वो हमेशा चश्मा लगाए रहते हैं। तो हाँ, उनका थोड़ा चश्मा डैमेज हो गया है तो उसी को ठीक करवाने के लिए आए हैं। तो हमने कहा कि चलो ठीक करा लो, नहीं तो फिर आँख चश्मा ही नहीं तो सब कुछ बेकार। तो उसी को ठीक करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये बनवा रहे हैं अंदर चश्मा, और बस चश्मा बन जाए फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं फटाफट। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं मार्केट, और मार्केट में यहाँ पे आप देख सकते हैं पंकज चश्मे की दुकान है। और यहाँ पे पति भी अंदर गए हैं क्योंकि उनकी आँखें थोड़ी सी वीक हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि वो हमेशा चश्मा लगाए रहते हैं। तो हाँ, उनका थोड़ा चश्मा डैमेज हो गया है तो उसी को ठीक करवाने के लिए आए हैं। तो हमने कहा कि चलो ठीक करा लो, नहीं तो फिर आँख चश्मा ही नहीं तो सब कुछ बेकार। तो उसी को ठीक करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये बनवा रहे हैं अंदर चश्मा, और बस चश्मा बन जाए फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं फटाफट। इनके चश्मे का काम हो गया और इनको नया चश्मा मिल गया। ये हमारे यहाँ का बस स्टॉप है, बड़ी मेन मार्केट एंट्री कर चुके हैं और थोड़ी बहुत ज्वेलरी खरीदनी है। क्या खरीदनी है, चलिए बने रहिए ब्लॉग में। चलो भाई उस पार चलो। यहाँ पे बड़ी गर्मी है, बहरहाल पहुँच गए अपनी ज्वेलरी शॉप की दुकान पे। यहाँ पे पहुँचने का मतलब है ना कि हस्बैंड के मन में थकर पकड़ लगने लगती है कि हम क्या बजट हिलाएंगे क्या नहीं हिलाएंगे। बहरहाल हम बहुत समझदार पत्नी हैं, हम ज़्यादा बजट नहीं हिलाते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ निकल रहा है वहाँ। और ये कैसी है? ये अच्छी लग रही है डिज़ाइन। हाँ डिज़ाइन सही लग रही है। आप लोग बताओ ये मेरे पति देव के ऊपर कैसी लगी? डिज़ाइन तो अच्छी लग रही है वाली, और देख ले दो फोन ले गए तीन दिल भाईजान के उसके बगल में देखो, एक दुकान है देखो, डिज़ाइन ऐसी मोटी मोटी निकालो। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों की बहुत तगड़ी वाली शॉपिंग हम दोनों की हो गई है, और क्या हुई है घर चल के आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग को मिली शॉपिंग करने के बाद इसका विलुक तुम का मजा लेते हुए पतिदेव ये बाहर लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों लाइट नहीं आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ओ आ गया क्या ये वाला ब्लाउज? हाँ आ गया। हाँ यार, उसको पैसा बेचारे को नहीं दिए होंगे ना, पता नहीं क्या आजकल दो तीन दिन से प्रॉब्लम चल रही है, बाहर की स्ट्रीट लाइट बंद रहती है और घर की लाइट आ रही है। नहीं नहीं लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं है ना, हमको ऐसे लग रहा था कि लाइट नहीं है, लाइट बंद कर दो ज्यादा अच्छा रहता। बंद कर दो? नहीं नहीं इन्वर्टर बैठ जाएगा, पता नहीं कितने बजे से। एक तो मीत लोगों की आदत भी नहीं है ना कि लाइट बंद करने की हैबिट सी ही नहीं है लोगों की कि लाइट बंद कर दिया जाए। चलो ये वाला भी आ गया, चलो उसको अभी नाप के देख लेते हैं फटाफट। देखे पंखा लाइट सब जला, हम तो पहले ही बताते रहते हैं यार कि मीत ना बहुत लापरवाह है, लाइट आए या ना आए से कोई मतलब नहीं, अपना कहीं जाना तो पंखा चालू रखा रहता है। हाँ, एकदम इनकी आदत ना वाकई बहुत ज्यादा खराब है। एक बोतल पानी निकाल देना यार, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। चलो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या शॉपिंग किया, लो अब आपको फटाफट दिखाते हैं। रखे ले आए कि नहीं ले आए थे वाला झोला? हाँ ले आए थे, वो उसको भी ले आए थे। लाओ फिर वो का निकाल लाओ, उसमें एक झिल्ली और रखा हुआ, उसमें हम फ्रूट्स वगैरह भी लाए थे वो भी नहीं। तो यहाँ पे आ गए हैं घर, और घर पे आके हम आपको दिखाते हैं कि मैंने आज लाखों रुपए की शॉपिंग की है, और लाखों रुपए की शॉपिंग में क्या क्या किया है और देखते हैं। चलिए दिखाती हूँ। तो आज की शॉपिंग हुई है पतिदेव के लिए, और जो पतिदेव क्या दिखाएंगे आप अपने लिए क्या गिफ्ट मिली है? पहले तो मैं बहुत फ्रेंड्स थैंक कहना चाह रहा हूँ अपनी वाइफ को, मतलब दुल्हन को कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग गए हुए थे थोड़ा सा ऐसे शॉपिंग करने के लिए, इनकी नाक के कील वगैरह कुछ टूट हो गई थी, तो हम लोग का चेंज करा लेते हैं, चलो कुछ नया ले आते हैं। लेकिन खैर वहाँ पे ये तो
वो नहीं खरीदी, लेकिन इनको पसंद आ गई कुछ आइटम, तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारे लिए खरीद देते हैं। हमने कहा रहने दो यार, अभी कोई जरूरत नहीं है, बाद में खरीद लेना, बाद में खरीद लेना। लेकिन अब वो है कि दिलाना है तो दिलाना है, एक जिद है इनके, इनकी जिद के आगे कुछ नहीं चलती। तो ये हमारे लिए एक चीज़ पसंद करिए, अभी हम आपको दिखाते हैं क्या चीज़ है, आपको बताइए कैसा लगेगा। तो देखिए अब क्या है, और ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए खरीदी है ये चेन। ये मेरी दुल्हन की तरफ से मेरे लिए प्यारा सा गिफ्ट है, आप लोग बताइए कैसा लगा, पहन के दिखाओ। ये छोटी छोटी चीजों पे रोने लगते हैं, हम लोगों का प्यार ऐसे ही है, बस हम लोग खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरी कमाई या इनकी कमाई कोई भी बटी नहीं है। और हम लोग तो ऐसे ही गए थे, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम इतनी महंगी चीज़ खरीद के लेके आएंगे, पर इनको पसंद आ गई तो मुझे लगा कि मुझे इनको दिला देनी चाहिए। और क्या हुआ, अरे पागल हो क्या, तो आंखें भर आती है कभी कभी। अच्छा पहनो, दिखाओगे नहीं लोगों को कि कैसी है चैन। तो ये फ्रेंड्स, इतना बड़ा अमाउंट था, लेकिन हंसते हंसते दे दी, करेंगे कोई बात नहीं। बड़ा कहाँ था, पहन के देखो। बड़ा था, बड़ा बिल्कुल भी नहीं था। और आप बताना कि कैसी लग रही है। आप लोग बताना कि कैसी लग रही है चेन इनके ऊपर। और भी सामान खरीदे, अभी आपको हम दिखाते हैं। देखो अच्छी लग रही है ना, कैसी लग रही है आप लोग बताना, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को। और ये छोटा सा गिफ्ट था बस इनके लिए, वैसे मेरी आदत है कि मैं ऐसे गिफ्ट देती रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम लोग की कोई एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे, हम लोग अभी कभी भी एनिवर्सरी बर्थडे का एक दूसरे के लिए इंतजार ही नहीं करते। क्या एनिवर्सरी क्या बर्थडे, खुशी हंसी रहो तो हर दिन ऐसी एनिवर्सरी होती है, और खुश रहो तो हर दिन बर्थडे होता है। किसी स्पेशल अमाउंट की, इवेंट की और या स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। मेन होता है कि हर दिन अपना सेलिब्रेट करना चाहिए, और हर दिन अपने हस्बैंड वाइफ के साथ खुश रहना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, बस खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और उम्मीद करते हैं आप मेरे इस ब्लॉग को पसंद करेंगे। अच्छी लग रही हो ब्लॉग तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखा कि मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे वाली ब्लॉग आने वाली बहुत अच्छी होने, लव यू डियर, बाय बाय।